हेलो जो नमस्ते। हमारे चैनल का नाम है ABCD और हम आप लोगों को तरह तरह की वीडियो, जैसे मैथ की वीडियो है, गणित है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों, और साइंस की वीडियो है, हिंदी तो पढ़ा ही रहे हैं, और यशस्वी वीडियो है। हम चाहते हैं कि हम अबकी बार इस चैनल में तमाम वीडियो डालें। आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, जिससे आपको हर तरह की वीडियो मिले। मैथ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है और मैथ को हम बड़े आसान तरीके से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और बेल आइकन घंटी बजा देना, इससे हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, और धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़ो। अनियुक्त विलासा पढ़ाएंगे, अनियुक्तियों का सौंदर्य। देखो यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करो तो लिखा अन्य धन उक्तियाँ, यानी यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हम अपने जीवन में घटना घटित होने वाली बातों को सीख सकते हैं और इससे बड़ी शिक्षा मिलती है। यहाँ कुएं के माध्यम से, एक कुआं होता है जिसमें खुदाई होती है धरती में और नीचे पानी निकलता है, तो अगर कुआं ये सोचे कि मैं संसार का सबसे नीचा हूँ, नीचे हूँ यानी छोटा हूँ, तो उसे ये जो है इस प्रकार अपने आप को छोटा समझ करके आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी संसार के मनुष्यों को, प्राणियों को जल देता है, तो जल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस संसार में कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं, हर चीज की कहीं ना कहीं उसकी कीमत है। तो यहां देखिए बच्चों, नित राम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परे साम गुण ग्रहीतायसि। बच्चों हाई स्कूल में इस लेसन से एक श्लोक जरूर आता है, तो हम अगर वीडियो बना करके यूट्यूब में डालेंगे और ग्रुप में रोज़ नहीं डालेंगे, और जैसे यहाँ से डालेंगे हाई स्कूल का कोर्स आप तक पहुँच जाएगा अगर सब्सक्राइब करोगे तो। नित राम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथा। यहाँ कवि कह रहा कूप, देखो आगे इंटरजेक्शन लगा, यहाँ पर संबोधन का निशान लगा है कि हे कुएं तुम खेदम कदापि, तुम जरा भी खेद मत करो, तुम जरा भी दुख मत करो। माँ कृथा नितराम नीचो स्मित, कि तुम खेदम कूप, हे कुएं तुम जरा भी अपने आप को सोच मत करो, चिंता मत करो कि मैं छोटा हूँ नीचे हूँ, है कि नितराम नीचो अस्मित कि मैं छोटा हूँ नीचे हूँ, इसलिए ये सोच करके तुम जरा भी चिंता मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यता परेशान गुण ग्रहीता असि। अरे तुम्हारे अंदर तो रसयुक्त जल भरा है, तुम्हारे हृदय में हे कुएं तुम्हारे अंदर जीवन देने वाला रस है ना, अर्थात जल भरा है। और परेशान गुण ग्रहीता, बच्चों यहाँ गुण के दो अर्थ हैं, गुण माने रस्सी भी होता है और गुण माने गुण, तो जो दूसरे के गुणों को ग्रहण करे वो भी बहुत बड़ा आदमी होता है ना। तो उसी जैसे आप लोग दूसरे के गुणों को ग्रहण करो, तो यहाँ पर दूसरे के गुण यानी दूसरे की रस्सियों को कौन ग्रहण करता, कुआँ। यानी जब हम कुएं के माध्यम से, जब हम कुएं में बाल्टी रस्सी में बांध करके बाल्टी डालते हैं तो कुआँ हमारी बाल्टी को भर देता है, इसलिए यहाँ यही कहा गया है कि गुण ग्रहीता असि, कि हे कुएं जरा भी तुम सोच मत करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय रस से भरा है, जल से भरा है, और तुम दूसरे के गुण रूपी रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए हे कुएं तुम जरा भी खेद मत करो कि तुम अत्यंत नीचे हो। तो बच्चों यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा दिया है कवि ने, और आज हम ये श्लोक के माध्यम से आपको हाई स्कूल में पढ़ाया, इसको बार बार देखना आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो,
जिससे हर नोटिफिकेशन आने वाली आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।